कई कुमा आई सो एमएलए साहब के घर के पास? एमएलए साहब मदद मांगने? क्या मदद, क्या होना मतलब क्या? पानी की तकलीफ है, करो बोलो। कौन सी जगह पानी का? एक मिनट बोलो, माजरा खुल को बोलो, क्या तुम्हारी जो है बोलो क्या। पानी के वास्ते हरियाणा भेजो ये जो करको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सब करा को ही, करंट का काम सब कर रही, पूरा सब करा को ही। वो सेम के माँ भारत नगर का भी इसका तन्वीर सेट टोम का कितने दिन यहाँ से पर? अच्छा, फिर यहाँ की कोई ज्यादा भेजना का तो इकबाल साहब है ना, उनको बोला था तुम्हें यहाँ तक आने की क्या जरूरत ना? बुला लगे नहीं भैया, क्या भी नहीं, आप आ रही ना खाली साथ में। तसल्ली बख्श, क्या जवाब देकर जो है इनो जो है आपके ऊपर एक उम्मीद की किरण लेकर आई हैं, उसका बस जवाब दे दीजिए और कुछ नहीं सर। इतना भी नहीं करो तो फिर हमारा काम क्या सर? बेशक सर, वही सर जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ी अच्छी बात सर, खैर खैर की बड़ी अच्छी बात। पानी का कनेक्शन देने के वास्ते कॉर्पोरेशन को हमें है ना पैसे भी देते हैं और साथ में है ना एस्टिमेट भी देते हैं। बराबर काम होने के टाइम पर आपको है ना हमें कभी तुम्हें करते हुए को आए तो फोन तो भी अच्छा काम करने का ना फोन तो भी आने देगा, है नहीं? जो तकलीफ में तुम्हें लोग हम परसों तक थे, जब कौन आए थे? कौन भी तो नहीं है, तुम्हें मैच करा इन सुपर आका कौन आए थे? ऐसा खेत बोल रही ना, कौन भी नहीं आए तो मैच करा को दिए हमने, तुम ना करंट बिल को दिए, और एम बी दाल को दिए, यूजी बी दाल को दिए, सब दाल को दिए, रस्ते दाल को दिए। सही बात है। अब आखिरी का जो काम है वो टाइम पर आपको है ना काम हमें करती तुम्हें करती थी, करें दे अच्छा काम करने वाला अल्लाह जिसे हिदायत दे करें दे, नाम तो जो करी उनका इंसान का इतना बोला हमें। तुमना बस लाखों डाले, बस कौन भी इस्तेमाल नहीं कर रही, तुमना ये नहीं हो रहा है करो बोल को ये ऊपर जरा टाइमिंग चेंज कर, क्या गलत करी है सर? आप किस इलाके की बात कर रहे हैं? तनवीर सेठ नगर। ये तनवीर सेठ नगर की जी सर, जो 1160 मकाला थे जी सर, ये आश्रय में है ना हमें शामिल किए थे, मेरे हल्के के बाहर है, हाल ही है ना गौर गरीब है ना बसराय घर को बोलते वहाँ के वास्ते जो भी करना है, लगभग 3 करोड़ के रास्ते मोरियाम अंडरग्राउंड का पाइप ये सब डाले, फिर 2.8 करोड़ का है ना इलेक्ट्रिक का काम हुआ, ये सब चीज़ें मैं हुकूमत से मूडा से कान कान से लाना लाखों करा को जी सर, हल्के के बाहर रह कर को हमें छोड़ पड़े, लेकिन जहाँ आवाम है जहाँ तकलीफ है वो तकलीफ को है ना ये करना सर। खुशी से पानी के कनेक्शन को लेकर जो हंगामा हुआ, पाइपलाइन पूरा हो गया है जी, हो गया पाइपलाइन पूरा हो को है। अच्छा जी, वहाँ मकान में ना कोई बस्ता नहीं था, ये वास्ते है ना वहाँ पानी का है ना ये नहीं था। अच्छा, 4 जगह नल्ला का कनेक्शन दिए थे, 4 जगह पानी आता था जी, लारी से भी पानी आ रहा है। अब दूसरा क्या है, रमनंडी से जो है ना मेलापुर का पानी है उसे डायरेक्ट लिंक करने के वास्ते भी एस्टिमेट बनकर पैसे देते हुए वो काम अब अनकरीब में होना है। अब होने से पहले है ना ये स्ट्राइक करे कैकी करे किधर की करे, ये नए नए नाटक शुरू हो कुछ फोन दे, मगर जो काम होना होता है सर। मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन को आपकी क्या हिदायत की है सर कमिश्नर को? जो देखो इन पूरे पाइप में छह जग देखो जी सर। यहाँ पर एक सवाल क्या बनता है सर, आपके नाम पर मंसूब वो एरिया, इस पर इतनी शिकायत क्यों सर? वो बात अलग है, ये बात अलग है, चाहत है लोग अगर आपका नाम रखे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको भी फखर होनी चाहिए। इसमें जो है इस पर जो है आपके नाम पर मंसूब जो इलाका है उस इलाके में इस तरह की शिकायतें इस तरह की तकलीफें हो रही, ये बात जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। जहाँ आवाम है जहाँ इंसान है वहाँ तकलीफ का है ना बिना है ना कोई है ना जिंदगी नहीं है। बुनियादी जरूरत जो पानी की है उसको लेकर जो है यहाँ पर मसला का काम हुआ है, बिजली का पाइपलाइन हुआ है जी, रास्ते हुए हैं जी, मेन कनेक्शन देना बाकी था, ओवर टैंक को कनेक्शन देना है जी सर। अब ये काम है ना कॉर्पोरेशन को मैं हिदायत दिया हूँ,
सर ये पानी की जो मीटर है उसके ना होने के बावजूद, उसके ना होने के बावजूद जो है किसी के घर पर 50,000 रुपए की जो है उसकी ये आकर है। अच्छा वो आप क्लियर कर दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए, वहाँ का आदमी नहीं आकर है। जी सर पाइपलाइन डाल को ही जी सर कनेक्शन देखो नहीं किसी मीटर डाल तो वहाँ पे बिल भी आकर नहीं, ये बाकायदा अच्छा जी। दूसरी बात क्या है, पुलिस चार साल से जो करंट इस्तेमाल करे उसे भी बिल ऐसा दिया है, तो बिल्कुल मुफ्त दिया गया है मुझे। जी जो जो करना था सब कर कोई, अब ना ट्रांसफॉर्मर डालकर नए पाइपलाइन इलेक्ट्रिक का कनेक्शन देने के बाद अब मीटर डाल रही। अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिक का मीटर अब डाल रही, पानी का मीटर अब किसी भी डाल को नहीं है, इसे भी पुरानी बिल आपको नहीं है। नहीं। लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश चल रही है इसे भी है ना मैं ना साफ कर दूं कि अब तक जो भी वहाँ हुआ है चाहे पानी हो करंट हो चाहे है ना तुम्हारा जो भी काम हुआ है एक रुपया किसी भी है ना देने का नहीं है कि कोई है ना तुम्हारी डिमांड भी नहीं करा। अब रही बात अब इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक का कनेक्शन मुड़ा से होने के बाद अब मीटर डाल रहे, मीटर डालने के बाद जो इस्तेमाल हो रहा है उसके पैसे बनो करके बोल रहे। अच्छा अब पानी के लिए और एक टैंक बना तामीर हुई है उसका कनेक्शन का काम है ना अनकरीब कॉरपोरेशन से अब शुरू होने वाला है, शुरू होते वक्त ये है ना दूसरा है ना बीच में है ना दूसरी काम हुआ है चाहे वो भारत नगर हो नेहरू नगर हो या फिर है ना रमनली का हमारा जो तनवीर सेठ नगर हो यहाँ पे जिन चीज़ों की सहूलत का काम होना था इसे पहले से भी चाहे वो मेरे हलके में रहो या हलके के बाहर हो जहाँ तक मेरे हाथ से हुआ मैं अब तक है ना करता आया हूँ इंशाल्लाह इसके बाद भी है ना जो भी काम है वो हमको करना पड़ेगा। जरा स्कूल की भी सहूलत के बारे में नहीं जो है स्कूल तो चल रही है उसे है ना जगह देना जगह नहीं स्कूल भी सैंक्शन करके देखो स्कूल भी चल रही है अब उसे एक खुद की एक बड़े बच्चों की स्कूल भी चल रही है स्कूल चल रही है स्कूल को है ना बाकायदा एक जगह और उनके है ना नई बिल्डिंग के वास्ते भी परसों भी बात हो रही है तो इंशाल्लाह इसके वास्ते क्या करना करिए अब तो बैठ को है ना तो मसाइल क्या है पूरा मंदिर लिखो जो क्लास में पूरे एक से पाँच मिनट तक बात कर दो जरा उसके वास्ते कोशिश करो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम बताओ मैं नूरजहाँ। मैडम अभी अभी MLA तनवीर सेठ साहब ने कहा कि यहाँ पे तनवीर सेठ नगर में पानी को लेकर कोई मसला नहीं है और बिल भी नहीं आई बोल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? बेशक जो भी कह रहे हैं हमें तो 6-7 साल से जिंदगी कर रही हूँ एक बार भी बिल नहीं आई, पानी तो फ्री में और करंट भी फ्री में चल रहा है। अच्छा तो मसला क्या है वहाँ पे? मसला क्या है तो अभी तो कोई आके हमें कर रही है हम तंग कर रही हम ना इनके वजह से क्या अभी तकलीफ नहीं है। अब बीच में जो आदमी आके हम ना तकलीफ दे रहा है उसी वजह से कौन बीच में कौन आ रही है और तुम्हारा मसला क्या है वो बताओ मैडम। हमारा मसला है ना पानी होना हमने स्कूल की परेशानी है बच्चे के वास्ते स्कूल को जाने और बच्चे कॉलेज को जाने बस नहीं है बस की सहूलत होना नहीं बस जहाँ तक मैं जानता हूँ तनवीर सेठ ने यहाँ पे बस का एक इंतजाम किया था आप लोग उसका फायदा नहीं उठाए वो वजह क्या है? हाँ टाइमिंग चेंज है वो बोलो आप पब्लिक भी नहीं बस की सहूलत दी गई थी लेकिन औकात चेंज नहीं थे आप हाँ तो आप अब एक काम कीजिए देखिए अभी तनवीर सेठ ने हमारे इकबाल को एक जिम्मेदारी दी है कि जो भी आपके मसाइल हैं लिख कर दें तो आप इनको मसाइल बताएं ये लिख कर देंगे इंशाल्लाह ठीक है। 10 साल से तनवीर सेठ नगर में जी अथा जी। जब तनवीर सेठ नगर में हमारा इकबाल भैया और हमारा तनवीर सेठ साहब और बड़े बुजुर्ग उन्होंने सभी बहुत मेहनत करे वहाँ की कहते हो रोड बराबर नहीं था करंट नहीं था पोल्स गार्ड को करंट ले लगा को पोल्स दिल्ली को उजाला बनाए उनके आदमियों का नाम सभी अब नहीं है अब कब की कौन की आँख है जरा क्या की काम कर रहा दोस्तों हमें कर रही उन्हें कल कर रही 5 साल से मेहनत करे हमारे तनवीर सेठ साहब और हमारा इकबाल भैया बहुत मेहनत करे लॉकडाउन में राशन बांटे जब कहाँ गए थे इन आदमियाँ तो सब कौन है गरीब है कल कहाँ गए थे इन सभी आई नहीं जब अब हमें आज हमें फिलहाल तनवीर सेठ नगर में नहीं कौन भाई तनवीर सेठ नगर में समीउल्लाह का तो कौन बोलता बच्चा बच्चा जाकर बोले तो बोलता है कितने साल से मैं 10 साल से हूँ अब मसला क्या है तो कर रही है काम सभी हो रही है इकबाल भाई के तरफ से हो रहा है साहब के तरफ से हो रहा है सब कर रही है कौन क्या कि नहीं कि शोबाजी क्या कर रही है तो हमें कर रही ये नहीं होना कर रही सो नाम बोला का नाम बोलना है सो वहाँ तनवीर सेठ नगर का लगो उन्होंने रखो नहीं साहब रखो नहीं नाम पब्लिक रखे से है तनवीर सेठ नगर का लगो चाह को रखे से है नगर रेशमा। हाँ अस्सलाम वालेकुम।
मैं सैयद इकबाल रहा, मैं कांग्रेस ऑफिस में था, मीटिंग थी, पूरे जने साहब के घर के पास उनकी तकलीफ़ क्या है सुनाने के वास्ते थे, बट मुझे फ़ोन आया, मैं आया। तकलीफ़ क्या बोले तो पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम बोले तो रणवीर सेठ साहब को नहीं जमता, लेकिन उन्होंने आश्रय कमेटी के चेयरमैन रहते एन आर क्षेत्र के अंदर, उन्होंने जब जगह भी आश्रय के घर आए इसके चेयरमैन उन्होंने, उनको पूछना ज़रूरी भी रहता, उन्होंने काम करना भी ज़रूरी रहता, उसकी बदौलत से वो काम कर रही। 3 करोड़ 25 लाख रुपये करंट को बहुत बेजर वाला को नहीं देते करने मोड़ा वाले मिलने का 2021 में करंट ले हमको लेकर अच्छा ग्रैंड फंक्शन भी करें, मोड़ा चेयरमैन भी रहते हैं, रणवीर सेठ साहब ओपन करें, हमारे जिम्मेदारों को सब बुले थे को ओपन करें, करंट भी आया 20 पर 8 लाख रुपये पीछे से रमदंडी से कनेक्शन लेंगे बुलाल को 20 पर 8 लाख रुपये दे दोगे, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, इंशाल्लाह ये वीक में काम भी शुरू होगा, फिर उसमें बेजर दाल को ही करना चाहिए बुलाल को। और पानी की बिल के हद तक अब हला संजीव सेठ साहब बोल को ही उसे डेवलपमेंट चार्ज दे को ही 15,000 रुपये, उसे तुम्हें पानी का मीटर कैबी दलाना होगा, तुम्हें पानी पियो, जिम्मेदारी मैं ले तो वक्त है आश्रम में कमिश्नर को बात करता हूँ, उनको उनको सब तसली देखो ही, वहाँ मीटर को सभी डालने देते नहीं, मीटर नहीं है वहाँ, इसके बारे में क्या भी मोहल्ले वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से उनकी जगह उन्हें रह सकती, इसमें क्या भी ऑब्जेक्शन है किसी का भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनकी क्या भी तकलीफ देते नहीं, ये सरासर उन्हें कमिश्नर रहे थे उसने उन्होंने डाले ऐसे ऐसे एरिया में ऐसा पानी नहीं देता हमें मीटर डालना है बोला को कानून के हिसाब से उन्होंने करें, लेकिन वहाँ क्या भी अभी डेवलपमेंट हो उन्हें डेवलपमेंट चार्ज ऑलरेडी देखो ही हमें, इसके वास्ते मीटर डालने का नहीं देते। इकबाल साहब आपे वहाँ के जिम्मेदार हैं, आपके रहते के बावजूद जो है यहाँ पर एमएलए साहब घर तक जो है खवातीन आकर रहे हैं, ये क्या वजह? देखो मैं बहुत बैक प्रेसिडेंट है जी सर, मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा। अच्छा अच्छा, इसकी वजह से मैं 11 वाड़ा देखना, मैं तनवीर सेठ नगर में जो ऑफिस है मेरी ऑफिस में लेडीज़ को काम करता हूँ, क्या काम रहा अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल का नंबर होता है, मोहल्ले वाले आपको अगर बोले तो ऑलरेडी तनवीर सेठ साहब ब्लॉक उनको डायरेक्शन देखो ही, हमारे वहाँ ऑफिस है, क्या भी प्रॉब्लम बन रहा करना है उनको डायरेक्शन में देखो ही, तो ऑफिस में काम करते हैं जाकर अपना बोले तो काम करके देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब जो इल्ज़ाम लगा रही कि तनवीर सेठ नगर में फलां आ जाए फलां आ जाए, उसमें लेकर आपको क्या 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 मुझे मालूम नहीं ना, क्या पानी के बिल जो है, पानी की बिल का मैं तुम्हें क्लियर करें ना, नहीं है इसका मतलब नहीं, पानी की बिल डाले मीटर डालने में तो नहीं, फ्रीज जला लेकर आप, जब तक हमारी कैपेसिटी है जब तक पूरे घर फिलअप नहीं होते वहाँ जब तक एक मीटर भी जलाने देता नहीं, ये हमारा मुद्दा है सर जी सर, पूरे घर फिलअप होना, पूरा डेवलपमेंट होना, अब मैं ऑलरेडी बोल को रोडा किरासा बोर्डा डालना बोल को, उसे पैसे भी सेक्शन करा को आश्रय कमेटी से साहब, उसे पर्सनली बोल को ही कमिश्नर को ये पैसे देना रोडा डलाने मोरिया डलाने के वास्ते बोल को ही, इंशाल्लाह उन्होंने उसके चेयरमैन ही आश्रय कमेटी के, चलो काम भी रहा था, देखो 4-5 जगह जमता है आश्रय कमेटी चेयरमैन का, तो एन आर से देखो सो साहब घड़ी भी हमारा जमता है, नेहरू नगर भी हमारा जमता है, भारत नगर भी हमारा, तनवीर सेठ नगर भी उनको जमता, जहाँ भी आश्रय के घर एन आर क्षेत्र में ही वो अल्लाह तनवीर सेठ साहब को जमता है, उनकी बदौलत से वो कमिश्नर को बात कर कर क्या भी प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में, आराम से इंशाल्लाह काम होता, आने वाले दिनों में इंप्रूवमेंट होने के बाद हमें उसे मीटर डाला को उसके ऊपर क्या करना करेंगे, जब तक तो इतना गरीब पानी पीना। अभी तनवीर सेठ ने आपको हिदायत दी है कि जो भी मसले हैं इनके वो लेटर में लिख कर दीजिए, बोलकर आप कब करेंगे? इंशाल्लाह मैं ऑलरेडी लेटर से टेप करा को हूँ, इंशाल्लाह समय पर सुध देता हूँ, आज मीटिंग थी मैं बोला ना उसमें थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन नहीं आते तो इतना जरूरत भी नहीं थी, उनको बोलने की साहब को मैं कराता था काम, करा रू करा तू भी मैं आपको पंपू दूर से आपको पैसे खर्चा कर लगाने की जरूरत नहीं है, साहब का डायरेक्शन हो तनवीर सेठ साहब कौन भी नया ना घर कने उनकी क्या जिम्मेदारी है तुम्हें ले रही तुम्हें करना, तुमने ढाको उस कहीं को तुम्हें ताकत दी तुम्हें करो क्या काम करना करो, गरीब आदमी आपको यहाँ को शिकायत नहीं करना, हमसे काम करके दे उनको, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे कोई उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं काम कर ले जा रही, थोड़ा मैं बिजी हो तो जरा मोहल्ले में ज्यादा जारू नहीं हुआ। तो एक बात तो साफ हो गई, तनवीर सेठ नगर में जो पानी का मसला वगैरह बिलना की जो बात थी वो गलत है, गलत है, कमिश्नर कमिश्नर जो है थे नहीं आगे होते उनको डायरेक्शन को और कमिश्नर को दूसरे ऑफिशियल्स को हिदायत देखो थे, लेकिन उसके बारे में हमें क्लियर कर दो, क्या भी डालते नहीं मीटर डालने देते भी नहीं, मीटर डालने की जरूरत भी नहीं, कोई बिल नहीं है क्या भी नहीं, जब तक पूरा एरिया सब डेवलपमेंट नहीं होता जब तक कोई पानी का मीटर नहीं पड़ता हुआ इंशाल्लाह इसके ऊपर हमें उम्मीद है। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बड़ी बात।